पर कुछ कसर ही नहीं कोई छड़ी। आज थोड़ा ब्रिगेडियर साहब जो आरएसएस से उन्होंने मौत हो गई सवेरे, गोली मारी उन्होंने। आज साढ़े बीबी जी से ऐसे नामधारिया ने उन्होंने तुम कतल करता। सन ढंडरिया वाले तो गोलियां चलाइया, 42 गोलियां उन्हें शीशे गड्डिया बदले विकेट लगिया। वाहगुरु ने उन्होंने मेहर करती और रख के उन्होंने रख लिया। ये जिहड़ियां गल्लां हो रही ने इत्थे, या गुरु ग्रंथ साहब नूं फड़ दिओ, या गीता नूं फड़ दिओ लुधियाने दे विच, या कुरान शरीफ नूं फड़ दिओ तुसीं मेलकोट दे विच, ये कराया कौन करा रहा? ये इनक्वायरी इन्होंने सीबीआई नूं देती, क्योंकि इन्हें पता है कि जब तक सीबीआई की रिपोर्ट आऊ 8-9 सालों के विच उदों तक इन्हें रहना नहीं, और जाओ उपर उपर तो नहीं जाना, इन्हें थले ही जाना नरक के। इन्ना निकम्मा जिहा आदमी है कि ना बेड़ा गर्क करके, जेडे गरीबां दे बाहां मरोड़दा, जो गरीबां दी रोटी खांदा उन्हें रब भी नहीं माफ करता। और यह है प्रकाश सिंह बादल का सारा ही टब्बर, ये होए सुखबीर सिंह होए, ये जरा लंबा जहा है वह होए, जो मर्जी होए मजीठी मजूठे सारे यही थे। अज होर कोई कसर नहीं, तो मुंडिया नहीं मार दियो, बच्चों नहीं मार दियो। मेरे को अमृतसर के मेरे को महल्ले ने मकबूलपुरा है, एक मकबूलपुरा जाके आओ जरा अमृतसर जाता है, उ एक बंदा नहीं रहा, सिर्फ बच्चिया रह गए और साढ़े छोटे निके निके बच्चे रह गए, सारे मर गए ये चिट्टा खा के। कौन करवा चिट्टा? यही कराते हैं, पैसे बनाने, कोई चीज नहीं छड़ते। मैं पंजाब नूं वादा किया इहदी इनक्वायरी हो, और ये जेडे बंदे होए मजीठा जेडे मर्जी होए बादल भी होए उन्हें फड़ के अंदर करांगे, जेडे बंदियां दी इत्थे जिंदगी खराब कर दित्ती ने बच्चों की। हद होंदी है, हद होंदी है, हद होंदी है कि अज ये लोग सारी उम्र पंजाब तक माया की सी मां बादल कोल 80 किले जमीन सी जद इहदा बाप मरिया, 12-13 मझां सी बस आई सी, हुण पता नहीं किन्ने फार्म बना ले, 5 स्टार दे पता नहीं किन्ने होटल बना ले, कित्थों लोगां ते पैसे नचोड़ के आ बनाया इसने। और ये शर्म नहीं आती इस नूं जा रहे हैं उपर जा थले जा रहे हैं जिते भी जा रहे हैं, पर तू रब दे वास्ते पंजाब दे लई कुछ करके तो जा। आ हाल साडा बनिया होया अज जिहड़ा अज पंजाब च आपां देख रहे हैं, अज क्यों है रोस लोगां च? क्योंकि लोग अज कर्जे डब्बे होए ने, आ किसान किसान कर्जे डब्बे होए ने। मैं कीता इन्हां नाल वादा कि वाहिगुरू करे सारे लोगों ने पंजाबियों ने प्यार नाल असीं सरकार बनाईए। मेरा वादा है कि किसी किसान दी जमीन नहीं बिकेगी, और जो कर्जा है वो सरकार अपने मोढ़ियां ते लऊगा बोझ, थोड़े ते नहीं असीं आउण देना। बहुत नुकसान हो गया, नुकसान इसलिए हो गया जमीना काटिया जा रही ने, अते 70 साल तो हो गए आजादी में, 2-3 पीढ़ियाँ आ गई ने, जिहदे कोल 10 किले जमीन सी 3 मुंडे हो गए तो 3 किले ते आ गई, 3 मुंडे उहदे हो गए 2.5 किले ते आ गई, फिर नहीं अपना गुजारा कर सकते। इहदे लई सरकारां दी ड्यूटी बनती है कि घट जमीन तो ज़्यादा आमदन असी बना सकी है, और यही प्रोग्राम सानू देने पैणगे, कणक और झोने नाल नहीं गल बन सकती है। और इसलिए मैं एक फील्ड टू फॉर्क प्रोग्राम से मुकेश अंबानी नाल गल कीती, जिहड़ा असी कि उन्होंने इस सोनी की फसल ये जिहड़े झोना है झोने ने, इस कारण कि कणक तो सारे किते होंदी नहीं, सिर्फ उत्तर भारत में होंदी है, लेकिन झोना सारे हिंदुस्तान होंदा है, और इन्नी पानी की डिवेलपमेंट होगी पूरे हिंदुस्तान, चाहे दक्षण चाहे पूर्व के विच या पछम के विच, कि झोना की पैदावार बहुत होगी। और लगता सी मैनू कि कदे ना कदे एक दिन आओ कि पंजाब का झोना खरीदया नहीं जाएगा, तो मेरी कोशिश सी कि सौनी की फसल असी बदलाई है। मैं अंबानी नूं कहा, मुकेश अंबानी नूं, वह चाहते से उन्होंने को 98,000 इन्होंने को स्टोर से बड़े हिंदुस्तान च, और वो देख रहे से सब्जियां कितों, मैं क्या पंजाब लियाओ सब्जियां, असं थोड़ा पूरी सपोर्ट करा, और असी 100 पिंडा के भी ट्रायल किए, बीज उन्होंने दिते, संभाल उन्होंने दिती, पैदावार तुसी कीती, और ये होना सी कि थोड़े पिंडा तो ही खेतों तो ही चक के असी उत्थे फिर उन्होंने पेमेंट उन्होंने पिंड के बीच ही करनी सी, उदी नहीं करनी सी, आ नहीं जो कुछ हो रहा अज, वो भी इन्होंने आने सर वो भी बंद कर दिया। ये कह के अगर माल्टिप का प्रोग्राम या कीनो का प्रोग्राम या थोड़ी सब्जियां का प्रोग्राम कामयाब हो जाए, फिर कांग्रेस की झंडा बुलंद हो जाऊ, और असं किधर जावे, असं अकाली दल है। सिर्फ ये
वास्ते तुसीं लोगों की रोजी खत्म करने तैयार हो। इस किस्म के लोग जड़े हैं ना प्रकाश सिंह बादल वर्गे, इन्हों सबक सिखा चाहिए और सबक हूँ इन्हों पता है कि जिस दिन इलेक्शन हो जाए ना उरे इन्होंने पिंडा जी बड़े ना छेत्र मारनगे लोग इन्होंने ये बढ़ के देख ये अकाली जड़े ने आए बादली है। मैं गया से बागे पुराने कुछ दिन पहला लिंक रोड तो जा रहा सी सड़क बंद की और नवी सीमेंट की सड़क बना रहे हैं उत्थे ते मैं जदों उत्थे एक पिंड तो लंघ गया सी बाहरले पासे सत अठ बंदे बैठे से एक पिपल के थले गल बातें कर रहे से मेरी गड्डी रोक ली तो मैं क्या मैं थोड़े को ही आना तो मैं कह दिया जी कदों हो रहा लाल इलेक्शन का मैं क्या मैं नहीं पता अक्टूबर नवंबर तक हो ही जाना नहीं कहते जल्दी नहीं करा सकते मैं क्या नहीं होता उदों ही हो नवंबर के अक्टूबर के मैं क्यों पूछ रहे हो तुम कहते असं इंतजार होता कर रहे हैं जिस दिन आनगिया गड्डिया अकालिया और शीशे भन्नों असं आ रोस है ये गुस्सा है मैं नहीं कह रहा थोड़ा कहते शीशे भन्नो लेकिन रोस का मैं प्रगटावा कर रहा कि इन्ना गुस्सा है लोगों के अब पंजाब अकाली दल और उन्होंने हमायती बीजेपी वाले तो गए डूब इन्हों तो भुल जाओ तुम एक होर एक चिट्टी चिट्टी टोपी वाले आए हैं ये चिट्टिया ने बड़ा बे ज़्यादा नुकसान कराया चिट्टा कीड़ा चिट्टा जो है मजीठा बेची जाता है और उन्हें चिट्टी टोपी आने आ गए दिल्ली के और ये कौन केजरीवाल हरियाणे का जिदे सारे धक्के साढ़े हरियाणे के नाल साढ़े झंडे ने चंडीगढ़ का झगड़ा उन्होंने पंजाबी बोलते इलाके उन्होंने अबोहर फाजिलका उन्होंने चंडी और की उन्होंने पानी सब तो वाला मसला उन्होंने ही झगड़ा और ये साडा मुख्यमंत्री बनना चाहो ये कहना है सतपाल खेरे तो उन्हें बयान दवाता कि मैं जी नहीं साडा प्रधान नहीं बनूंगा तो आप क्यों नहीं कहना उठ के बोल प्रेस नू कि तू पंजाब दे विच मुख्यमंत्री बनना चाहता या नहीं। दो बंदे उन्हें छड़ते संजय सिंह और दुर्गेश पाठक पता नहीं कितनों आई उत्तर प्रदेश से ने या कहते और 52 बंदे छड़ते साढ़े जिले सामने वास्ते वो भी बाहर ने सारे उत्तर प्रदेश पता नहीं कितों लैके आया कोई पंजाबी नहीं तुम्हें क्या है भाई पंजाबी इतने चलाउणगे पंजाबियों को हर अधिकार है संविधान दिंदा है सानू जिन्हें मर्जी पंजाबी जिन्हें मर्जी पार्टियां बनाओ लेकिन अगर बाहरला कोई आके इतने साढ़े ते राज करना चाहता है कि मैं अमरिंदर सिंह इन्हों आन नहीं देना है केजरीवाल जितों मर्जी लड़े मैं इन्हें खिलाफ लड़ू उन्होंने पता है कुछ साढ़ा उन्होंने पता है साढ़े साढ़े सभ्याचार साढ़े धर्म साढ़े जी कोई समस्या वा पंजाब ने और जदों सुप्रीम कोर्ट के झगड़ा पैना है तू दस साढ़े नाल खड़ेगा या तू अपने पिंड नाल खड़ेगा हरियाणे नाल तेरा पिंड सारकोट पैंदा है अगर तू पंजाब नाल खड़ेगा ना ये बड़ी एक किस्म की अजीब संस्था है ये केजरीवाल इतने आना तो कहना सारा पानी पंजाब का है हरियाणे में जाता है कहना हरियाणे का भी हिस्सा है इसमें दिल्ली जाता है कहते दिल्ली का भी हिस्सा है जिते जिते बोली बोलनी होंगी उ बोली बोल जाता उ झूठ है ये है बे ए किस्म की एक किस्म का धोखा लोगों के नाल जो तुम प्रोग्राम दें लोगों वोटा लेने वास्ते वो है मैनीफेस्टो और तुम दसो कि तुम की पंजाब के लिए करोगे पर ये पहला तो यह दस कि तू बनना या नहीं बनना अगर बनना है तो ऐलान कर अगर नहीं बनना तो दस के पंजाबियों तो अलावा पंजाबी ने तेन कोई ख्याल पंजाबी ने अपनी पार्टी बना बना इतने निकाल निकाल बाद सानू कोई इतराज नहीं छोटेपुर बनावे सिद्धू बनावे प्रगट सिंह बनावे जो मर्जी बनाओ पंजाबी हो ये थोड़ा संविधानिक हक है लेकिन ये कोई हक नहीं कि तुम बाहरले सूबे ने आके इतने साडा राज करने की कोशिश करो जब तुम्हें पंजाब का कुछ पता नहीं ये याद थोनू अपने मन च बसानी पू क्योंकि टोपिया वाले इधर घूमते फिरते हैं हूँ पता नहीं टोपिया तो लातियां मैं देखिया नहीं तो डर गए होने क्योंकि छित्र छुत्र इन्होंने बड़े पे ने लेकिन तुम आ देखो आ किस्म का जोड़ा काम है ये है धोखा पंजाब के लोगों ऐलान करना चाहिए थोड़ा शेर मंगकर के मैं कैंडीडेट है उन्हें मुख्यमंत्री का कहो कहे केजरीवाल और ये दस दे कि मैं दसूए तो लड़ रहा मैं आके दसूआ लड़ूंगा लड़ाऊंगे मैं अगर केजरीवाल खड़िया या थोड़ी हरिशंकर जितों भी लड़िया मैं लड़ूंगा तो खिलाफ आ जाए बस मैदान दे विच पर इन्ना डरपोक है पता नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगा लेकिन देखांगे जब समय आऊगा
अज आप आए हैं उरे किसानी की गल करन लई, किसानी दी, गरीबां दी। अज गरीबां वास्ते असी तुहानू पता है कि शगन शगन स्कीम असी शुरू की सी, 15,000 रुपए कहते हैं, हूँ असं 51,000 देवे, साढ़े मैनीफेस्टो प्रोग्राम आएगा। जो साढ़े बुढ़ापा पेनशन, विधवा पेनशन होंगी, इन्हों की पेनशन 500 रुपए तो 2,000 रुपए असं करा, और ये बड़ा आसान है करना। ये थोनों बजट जाने की लड़ नहीं, थोनों तो सिर्फ जी शराब बिकती है पंजाब तो एक रुपया दो रुपया तुम सैस ला दे घटा हो जाता। पिछली बार 500 करोड़ मैं हर करके मैं वेलफेयर महकमे को दे दिता सी के, और पहले हफ्ते के भी थोड़े को पहुँच जाती सी। एक बीबी मैंने किस पिंड मैं पूछा उन्होंने, उन्हें पूछा मैंने जी कि साड़ी शगन स्कीम नहीं मिली, मैं कितनी देर हो गई बेटी के ब्याह में, कहते 7 साल हो गए ने। मैं फिर ये कोई तरीका है? ये तो ब्याह तो पहला थोड़े को पहुँचने चाहिए ने। ये साडा ये पंजाब की बेटी साढ़े सारे की बेटी है, और साड़ी जुम्मा लगती है कि असीं भी अपने वालों उन्होंने कोई शगन पाईए अपनी बेटी नूं, बेटी के ब्याह, और ये असी करांगे ताकि ब्याहां तो पहला, और जिहड़ी दूजियां स्कीमां ने वह पहले हफ्ते के तुहाडे कोल इत्थे पहुँच जाए। बिजली ट्यूबवैलों की, बाजवा साहब ने कहता कि ट्यूबवैलों की, हुण वो कमला समझदा सामने बादल जिहड़ा बोली जांदा है कि अमरिंदर सिंह आऊगा जी थोड़ी बिजली बंद कर दूँ, कि अमरिंदर सिंह कोई दिमाग खर फिरिया होया क्या? जदों मैं कह रहा है कि साड़ी किसानी डूबी पई है, जदों रोटी खाण नूं है नहीं, मैं उहदे उपर बिल ला दा, ये झूठ है, और झूठे बंदियां दी गल चलदी नहीं वारी, पर पिछली बार चल गई सी। ऐतकी तुसीं पहुँचाउणी है, बिल किसी दे नहीं लगणगे, थोड़ी मुफ्ती बिजली होएगी थोड़े इत्थे ट्यूबवैलों के विच, और दूजे जिहड़े घर दे विच साडे गरीब बसदे ने, 300 यूनिट असीं मुफ्त करांगे, पिछले साल 200 यूनिट मुफ्त कीते सी। ये साडे सारा प्रोग्राम है जिहड़ा थोड़े सामने आ गया, और एक आटा दाल स्कीम, ये कहते अमरिंदर सिंह बंद कर दो। मैं आटा दाल चौ चीनी ते चाह भी नाल दे नाल दूंगा, चार चीज़ां च पा रहे हैं असीं अपनी मेहनत तो इस ये कोल होर कुछ कहण नूं नहीं है ना। जदों दिमाग खाली हो जाता है बंदे का, और हो गया हूँ 94 साल का, कहता मैं हाले भी लड़ूंगा। मैं तो कहता कि मेरी तो अगली इलेक्शन है भाई, हूँ बहुत हो गया, हूँ नवे जमाने एक नवी पीढ़ी आ गई, असी जिहड़े साडे है देखो पता हिंदुस्तान 70% या 40 साल तो घट है, यही पंजाब च है। पंजाब के 2,90,00,000 की आबादी है साड़ी, और 18 साल और 40 साल के दरमियान 90,00,000 बच्चे ने साडे, और उन्होंने हूँ भविख होना है। ता ही साडे कांग्रेस प्रेजिडेंट और साडे वाइस प्रेजिडेंट ने कहा है कि असी नौजवानों ऐतकी बिच बनना चाहते हैं, असैम्बली के क्यों बनना चाहते हैं, इसलिए कि वह भी देख लैन कि कैसे असैम्बली चलती है, कैसे कानून बनते हैं, सब कुछ ये देख लैन, क्योंकि पंजाब और हिंदुस्तान हूँ उन्होंने बनना है और नौजवानों का। असी सारे ने अपनी अपनी सेवा अपने पंजाब प्रति कर ली, कदे ना कदे जैसे फौजी हो रहे, किन्ने फौजी हो मेरे वीर हो रहे, किन्ने हो तुसीं, हाँ देख लो, जैसे अपनी ड्यूटियां कीतियां ने, कदे ना कदे वर्दी लाउणी पैंदी है, हुण साडे मेरे भी समय आ गया वर्दी लाउण दा, और असी भी हुण इन्हां नूं नवें नौजवानां नूं चक्की है अगे भेजिए ताकि ये भी पंजाब की सेवा कर सकन। तो एक मैं थोड़ा दसना चाहना, ये जी बड़ी अपने कंडी इलाके खास करके अपने खेत बड़े छोटे ने, निके निके खेत ने, और लोगों अपने पिंड अपने खेतों के मंडिया डाहनिया पैदा ने, क्योंकि रात को कदे रोज आ जाते हैं, कदे सूर आ जाते हैं, कदे बंदर ही खा के साफ कर जाते हैं। ये बड़ा ही बड़ी पता नहीं मैं समझ नहीं आती यहाँ कैसे काबू किया जाए। ये तो तरीका एक ही है। तारा वास्ते असी 90% दिते से पिछली बार, ऐतकी थोनू 100% थोनू तारा देनिया पैणगियां पंजाब सरकार नूं कि तुसी अपनी फसल नूं संभाल लो। ये उरे ही नहीं, कोटगढ़ गया सी मैं, जिते शिमले तो अगे जिते वो सेब हो रहे, उत्थे लोग मौसम दे विच जदों सेब हुण सेब हुण पकदा है, हुण पक रहा है, वो अपने सेब के दरख्तों के थले सौंदे ने रात नूं कि बंदर ना चढ़ जाण उपर। ये एक बड़ी समस्या आई है, और ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई सोचना पऊ और ये करना पऊ नहीं, साडा नुकसान बड़ा। लेकिन जिते इतने ये सूर गड़बड़ करते हैं या रोज़ गड़े गड़बड़ करते हैं, हूँ कुछ तो परमिट मिलते हैं मेरा ख्याल इन्होंने मारन दे, लेकिन ये खुली छुट्टी देनी पऊ किसानों को, इन्होंने साफ करो ताकि थोड़े फसल बचा। और ये जरा आवारा पशु है, आवारा पशु 2,000 की डारा ने, वो जब बढ़ जाते हैं किसी के खेत च, ज
जैसे कंबाइन फिर दी है ना, ऐ फिर जाते ने बिच नहीं, सब कुछ हिसाब कर देंगे ने। और ये वास्ते ये जिहड़े इत्थे दे गौशाला चलाउंदे ने पंजाब च, एक मेरे दोस्त ने बड़े एयरटेल वाले, वो भी उन्होंने मैंबर ने, तो उन्होंने मैं कहा सी राकेश जी नूं, मैं क्या तुसी कुछ प्रबंध करो, बड़े इत्थे गौशाले करो और ये डंगरां नूं फड़ के उहदे विच करो। एक तो यह पासा हो गया प्राइवेट, एक सरकारी तौर पर दक्षण पंजाब के बहुत बीड़ा ने, वह बीड़ा से तारा ला के इतों इन्हों फड़ के बीड़ा के छड़ दे, क्योंकि जंगली जानवर तो कोई है नहीं, सिर्फ बीड़ ने, वो फॉरैसट भी नहीं है, उत्थे जाके उत्थे घूमते रहे, क्योंकि अज हालात बन गए कि सिर्फ फसल खराब नहीं, जदों साडिया बीबिया चुगदिया ने नरमे जो कि सांडा बिच बैठा हुंदा है, वो आके हमले करके कई बीबिया नूं इत्थे फरीदकोट मुक्तसर वगैरह बिच मार दिता, रोज़ दे भी और इन्हां दे भी। इस करके ये सानू कोई प्रबंध करना पऊ, सरकार नूं वाइल्डलाइफ जिहड़ी डिपार्टमेंट है उन्होंने देखना पऊ। और तीसरी गल जिहड़ी अखीरली गल मैं करना चाहुंदा, इत्थे ये धक्का हो रहा है, ये सरकार इन्होंने बाईपास के बहाने इन्होंने थोड़ियां जमीनां अक्वायर करतीआं, ये प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल दी एक बहुत पुरानी चाल है। चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है ना, मैं इहदा सैंक्शन दिता सी जमीन का, जिहड़ी साढ़े मोहाली के कोल बन रही सी जमीन, साड़ी सरकार चली गई, इन्होंने अपने बंदियां राही उन्हों अक्वायर करा ली बड़ी सस्ती, फिर जदों सरकारी सेंटर सरकार खरीदन लगी सी ओ बड़ी महंगी रेटा से उत्थे बेचती और अपने पैसे कमा ले। और यही थोड़े इत्थे होया, आ थोड़े पता नहीं कितने हाथ चको जे आए थे मेरे को पेपड़ा वाले कितने, वो अच्छा वो बैठ मैंने आके दस इन्हों का भी यार जमीन अक्वायर करी थोड़ी बाईपास वास्ते नैशनल हाईवे और तुम और लैके सस्ते रेट से आप बकवाती गवर्नमेंट को बड़े महंगे रेट से वो मैंने दस रहे थे पता कुछ लाखों से लेती और कई कुछ कुछ करोड़ों से बेचती, यही गल है ना, 40,000 मरला लैके 17 लाख मरने बेचते, ये लुट है अकालियां की, यह है। और आही है जिन्हें तुम गरीबों को हाथ पाते हो तो फिर रब भी है एक उपर, जिन्हें गरीबों को दुखी करता है ना, गरीबों की रोजी खिंचता है, जिन्हें गरीबों की रोटी बंद करता है, फिर इन्हों भुगतना पऊ। इतने चलो बच गया तुम, उधर बीजेपी की सरकार है, इतने तेरी सरकार है, पर जब तू जाएगा ना थले उदो तेन अजाब खिताब देना पो प्रकाश सिंह, तो यह समझ लै और ये तेन पता लगेगा कि रब की कहना है तेरे बारे, जो ऐसे तेरे बारे के लोग गरीबों की बांह मरोड़ के इन्हों की रोटी खुंदे ने। अज बड़े मैं किसानों की धनवादी है कि तुम अपने इलाके चो आए हो, बेफिक्र हो, कांग्रेस सरकार सारे की सरकार है, किसानों की सरकार है, शहरियों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, और जो साडा बल साडा 130 साल का इतिहास है और असी हर वेले देश के गरीबों के नाल खड़े हैं, असी थोड़े नाल खड़े हैं, कोई भी गल थोड़े विच होए, कोई भी मंच गल होए मेरे को पहुँचाओ और वाहेगुरू की कृपा नाल उहदे उहनू पूरा करके असी छड्डांगे। बहुत धन्यवाद थोड़ा, वाहेगुरू जी का खालसा।